हेलो किड्स, टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउन। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आकाश कुंतल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ठीक है, अभी तक आपने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अब आप प्रोनाउन के बारे में देखिए, आपने नेमिंग वर्ड पढ़े हैं, ठीक है ना, नाउन पढ़े हैं, और ये सभी से रिलेटेड होकर क्या बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको नेमिंग वर्ड के बारे में बताया गया, उसी से रिलेट होकर ये प्रोनाउन यूज होंगे। सबसे हेयर इज ए डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। देखिए आप प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं हम क्या है। द वर्ड्स आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ये किसी के पर्सन के नेम के स्थान पर यूज होते हैं। ठीक है, कोई प्लेस है उसकी जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, या फिर कोई एनिमल या बर्ड्स, इनके इनके स्थान पर ये यूज होते हैं, नेमिंग वर्ड्स के स्थान पर यूज होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। हैव बीन यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, मैंने बताया आपको नेमिंग वर्ड के स्थान पर यूज होते हैं। नेमिंग वर्ड आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड। आप अपनी पिछली क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने नेमिंग वर्ड के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताया हुआ है। देखिए, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब इसको आगे समझते हैं, प्रोनाउन और कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए, प्रोनाउन हो सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कैसे, सिंगुलर क्या होते हैं, देखिए सिंगुलर प्रोनाउन दोज दैट नेम वन पर्सन। ठीक है, इस तरह के नेमिंग वर्ड जिनमें क्या हो, वन पर्सन हो, प्लेस वन पर हो, ठीक है, थिंग कोई वन हो, आइडिया, ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी एंड इट आर यूज इन वन पर्सन। किसकी जगह पर यूज होते हैं, वन पर्सन की जगह पर। ठीक है, तो ये कहलाएंगे सिंगुलर प्रोनाउन। किस तरह से, देखिए जैसे कि वन पर्सन है, कोई वन पर्सन हुआ, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि अजय। ठीक है, ये एक वन पर्सन है, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, अजय एक वन पर्सन है। ठीक है, अब इसको प्रोनाउन में क्या नाम देंगे हम, जैसे कि ये आई नहीं हो सकता, अजय क्या है, हमारे लिए एक अदर पर्सन है। ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे, ही, क्योंकि ये क्या है, एक मेल है, क्या है, मेल। अगर यहाँ पर ये फीमेल होता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, शी, एग्जाम्पल इस तरह से। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए दोज दैट नेम मोर देन वन पर्सन। ठीक है, इस तरह के नेमिंग वर्ड्स जिनके सबसे क्या हो, मोर देन वन पर्सन, मोर देन क्या हो, एक से ज़्यादा हो। ठीक है, प्लेस हो या थिंग्स या आइडिया। वी एंड दे आर यूज फॉर मोर देन वन पर्सन, वी एंड दे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर जो वी है एंड दे, वी मतलब हम एंड दे मतलब वे। वी को हम क्या बोलते हैं, हम हिंदी में, और दे को वे। मैं आप सब आपको इनकी जो हिंदी में इनको प्रोनाउंस करते हैं उसका वो भी आपको लिख के दूंगा। ठीक है, आपको इससे और ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, वी को हम बोलते हैं एंड दे को वे। तो ये सब किसके लिए यूज होते हैं, मोर देन वन पर्सन के लिए, एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज होते हैं। अब इनको एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, अब आपको मैं इसको हिंदी में प्रोनाउंस कैसे करते हैं इनको, देखिए आई को बोलते हैं मैं, यू तुम, ही अगर मेल है, ठीक है, ही क्या हो, मेल, मेल मतलब कोई पुरुष हो, ठीक है ना, तो वो वह, शी फीमेल हो, फीमेल मतलब कोई स्त्री हो, तो फिर उसके लिए भी वह, वी हम, दे वे, और इट होता है थिंग्स के लिए यूज, किसके लिए, थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, ठीक है ना, इट किसके लिए यूज होगा, होगा थिंग्स के लिए। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए एग्जांपल है, माय नेम इज कीर्ति, माय नेम इज कीर्ति। यहां पर कीर्ति क्या है, एक फीमेल है, ठीक है ना, क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, क्या है, नेमिंग वर्ड। अब इसको प्रोनाउन में किस तरह से चेंज करें, माय नेम इज कीर्ति, ठीक है ना। अब देखिए, आई
am 6 year old. अब यहां पर ये देखिए जो I यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, कीर्ति के लिए. किसके लिए? कीर्ति के लिए. ये प्रोनाउन यूज हो गया है. यहाँ पर कीर्ति था लेकिन वह कितनी ईयर ओल्ड है, वो बोलती है माई नेम इज़ कीर्ति, मेरा नाम कीर्ति है. आई एम 6 year ओल्ड, मैं 6 year ओल्ड मतलब 6 साल की हूँ, ठीक है ना. तो यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ हुआ है, कीर्ति के लिए. किसके लिए? कीर्ति के लिए. इस तरह से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है. और एग्जाम्पल देखेंगे. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपकी बुक का ये एग्जांपल है. आपको वर्कशीट में यही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं. मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ यहाँ पर किस तरह के इसको सॉल्व करेंगे. देखिए शी इज़ माई सिस्टर. आपको यहाँ पर प्रोनाउन फाइंड करना है और उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है. प्रोनाउन क्या है इसके अंदर, शी है, इज है, माई है या सिस्टर है. देखिए मैंने प्रोनाउन क्या बताए थे, प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये प्रोनाउंस है. देखिए आई यू ही शी इट वी एंड दे, ठीक है ना. तो यहाँ पर आप देखिए कहीं शी है तो यहाँ पर शी है, ठीक है. तो ये एक प्रोनाउन है, इसको हमने कर दिया अंडरलाइन. इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट्स में फिल करने हैं, ठीक है ना. आपको चीज़ों को अंडरलाइन करना है, प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है. कोई भी प्रॉब्लम हो आपको वर्कशीट से रिलेटेड, आप रिवाइंड कीजिए और वीडियो को वापस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.